केवल मेरे राम और मेरे कृष्ण भगवान शंकर के उपासक नहीं, संसार में जितने महाभारत के जितने जितने पात्रों को उठाओगे वो शंकर के उपासक मिलेंगे। गांधारी कौन थी? शिव की उपासक। द्रौपदी कौन थी? शंकर की उपासक। जितने को उठाओगे आप ये सब शिव के उपासक। गांधारी ने कितना तप करा था भगवान शंकर का, कितना तप गांधारी ने। पति मिला आंख से अंधा मिला, नेत्र नहीं है। गांधारी ने आंख पे पट्टी बांध ली, दासी का हाथ पकड़ती थी, शिव जी के मंदिर जाती थी। एक बार धृतराष्ट्र ने गांधारी से पूछ लिया था कि तुम, मैं जितनी बार पूछता हूं अपने सेवकों से कि गांधारी कहाँ है, वो एक ही बात कहते हैं, गांधारी महारानी शंकर के शिवालय में बैठी है, शिव मंदिर में बैठी है। क्या करती रहती हो तुम शिवालय में? धृतराष्ट्र ने गांधारी से पूछ लिया था। गांधारी ने कहा, मेरे नेत्र पर पट्टी बंधी है, आपके नेत्र नहीं है, संसार के लोगों को मैं देख नहीं सकती, तो क्या हुआ, मेरा महादेव मुझे तो देख सकता है, इसलिए मैं महादेव के पास जाकर बैठ गई। वो महादेव देख रहा है ना मुझे, बस बहुत है उतने। धृतराष्ट्र ने एक दिन गांधारी से पूछा, क्या तुम्हें महादेव ने कभी दर्शन दिया है, तुम्हें कभी महादेव ने दर्शन दिया? गांधारी बोली, मेरे कहां ऐसे भाग्य जो मेरा महादेव मेरे सामने आ जाए, मेरे भाग्य ऐसे कहां है जो मेरा महादेव मेरे सामने आ जाए। तुम्हें अभी तक महादेव नहीं मिले एक बार भी? नहीं। तुम्हें दर्शन देने नहीं आए? नहीं। तो फिर धृतराष्ट्र ने कहा, फिर महादेव के मंदिर जाके बैठती हो तो महादेव तो मिलते नहीं तुमको, और अगर महादेव नहीं मिल रहे तुमको तो तुम मंदिर में जाके बैठती क्यों? गांधारी के शब्द सुनना, जो शब्द तुम्हारे सामने भी कई बार आए होंगे कि जब शिव जी तुम्हारी नहीं सुन रहे, शंकर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो रहा है, तो तुम शंकर जी के मंदिर क्यों जाती हो, तुम शिवालय क्यों जाती हो, शंकर के दरवाजे पर क्यों जाती हो? घर के लोग तुमसे कहेंगे कि मंदिर जाकर क्या करती हो, क्यों जाती हो, किस लिए? जब शंकर प्रकट ही नहीं हो रहा है, सुन ही नहीं रहे, तुम्हारी मुराद ही पूरी नहीं कर रहे, तो क्यों जाती हो? गांधारी ने शब्द कहा, मेरी माताओं के मुख पर भी वो शब्द होना चाहिए, नवयुवक बेटे और बेटियों के मुख पर भी वो शब्द होना चाहिए, जब लोग कहें कि मंदिर जाकर क्या मिलता है, क्यों जाते हो, भगवान तो मिलता ही नहीं है, भगवान तो प्रकट होता ही नहीं है, भगवान तो सुनता ही नहीं है, उस समय पर तुम्हारा शब्द होना चाहिए जो गांधारी ने कहा, क्यों जाते हो? गांधारी ने कहा धृतराष्ट्र से, वो मेरी सुने ना सुने पर उसके दरवाजे तक अगर मैं पहुंच जाती हूं तो मुझे महसूस होता है कि उसने मेरी बात सुन ली है। अब वो कितना सुनता है ये मुझे नहीं मालूम। हम जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं तब आपको ये महसूस होना चाहिए कि मेरा महादेव